आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कंटेनर कोई रखते भी हैं दावी मन दा ते जब बंदे लखन की तादाद चाहते ने ते कंटेनर बिल्कुल फुला फिर साइड से हो जाते हैं ते आवाम आएगी कंटेनर नूं हटा के आएगी और जलसा गाद विच पहुंचेगी क्योंकि उन्होंने लीडर की कॉल है नया पाकिस्तान जलसे के इंतजाम जोरों शोर से जारी है। शेख वकास साहब आए हैं। शेख साहब कल होने दे उसके बाद लायमल जलसे के अंदर आपको बताएंगे। शेख साहब पहले कहाँ से बताएं? शेख साहब रस्ते बंद कर रहे हैं हर तरफ से। खोल छटांगे केपी क्या ले खोले पंजाब ही खोलेगा। हर चीज खुल जाएगी, तो नहीं सुबह कोई हर चीज खुल जाएगी। आप भी देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हैं एक कसीर तादाद में। ये जलसा का है, जोरों शोर से इंतजाम जारी है, नौजवान बैठे हैं, लाइटिंग हो चुकी है और अभी आप ये जलसे का माहौल देख सकते हैं। अभी यहाँ एक कसीर तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, लोगों का जज्बा, लोगों का जुनून, ये मनाजर आप देख सकते हैं। ये मनाजर है इस टाइम जलसा का कि आगे जाते हैं, आगे जाके भी आपको तमाम तर मनाजर दिखाते हैं, तमाम तर सूरत हाल दिखाते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, पंजोता साहब, पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहौल बन चुका है, जलसा अभी से शुरू हो चुका है। दिखाएं जी चारों तरफ में कसीर तादाद में लोग पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें नया पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क्यादत में नया पाकिस्तान बनेगा और आप देख रहे हैं कि जलसा गांव में खड़े हैं और जलसे से पहले कल जलसा है और आज जलसा बन चुका है और कंटेनर लग चुके हैं। अवाम निकल रही है, अवाम आ रही है, सिंध से काबले आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर से भी मेरी बात हो रही है, उनकी भी पूरी तैयारियां हैं और वो कह रहे हैं कि मैसिव क्राउड जो है वो आप देखेंगे, मैसिव क्राउड आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जलसा गांव में होगा और वो आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, आप देखेंगे कि केपी से, आप देखेंगे जीपी से, एजेके से, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं इस जलसे को कामयाब करने के लिए। मेरी आज कप्तान इमरान खान साहब से 3-4 घंटे मुलाकात हुई है। अच्छा, आपने बताया कि अवाम बड़ी परजोश है कल बाहर निकलने के लिए और आपने सूरत हाल दिखाई, सूरत हाल बताई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब को बताया, खान साहब को बताया कि जनाब आवाम जो है वो बिल्कुल पुरजोश है और आपके एमएनएस जो है और आला क्यादत जितनी भी है पार्टी की सीनियर लीडरशिप, रात को भी वो पुलिस वाले आए, कोई गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, कोई साउंड सिस्टम की गाड़ी चलाने लग पड़ा, कोई जो है वो छत के ऊपर चढ़ गया कि किसी सूरत जो है हम पुलिस को ले जाने नहीं देंगे। तो खान साहब ने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया और खान साहब को ये भी बताया कि आज डीजे भी आ चुका है, जलसे में लोग आ रहे हैं, एमएनएस और जो लीडरशिप है वो तमाम शाम को होंगे। खान साहब को सारी सूरत हाल का पता है कि लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं और लोग जो है पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। खान साहब ने खास तौर पर पैगाम दिया है कि आपने बाहर जाकर कौम को पैगाम देना है कि आपने हकीकी आजादी के लिए कल जलसा गांव में पहुंचना है, इस जलसे को कामयाब करना है। अगर आप समझते हैं कि इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से जान छुड़वानी है, ये जो व्हाइट कॉलर माफिया जो नैब के अंदर तरामीम करके अपने केसेस जिन्होंने खत्म करवाए, क्लीन आज भी लंदन फ्लैट्स का, दुबई लीज के अंदर जिनके नाम है उनका हिसाब नहीं दे रहे। पंजोता साहब ये बता दें, जलसा सुबह है 8 सितंबर को, आज 7 की रात है और अभी आप सूरत हाल देख सकते हैं, लोग फैमिलीज आई हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आए हैं, हवातीन, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे और माहौल बन चुका है और 9 मई के बाद इस्लामाबाद में पहली दफा ये मंजर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें ये जो मंजर आपको नजर आ रहा है, ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, लोगों की चाहत है कप्तान इमरान खान के साथ और इस वजह से लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जलसा में तैयारियां जो है लोगों की मुकम्मल है और आप देखें कि जनाब यहाँ आपको नजर आएंगे बुजुर्ग भी नजर आएंगे, खवातीन भी नजर आएंगी, बच्चे भी नजर आएंगे, नौजवान भी नजर आएंगे, आप बीमार भी नजर आएंगे और हर तरह के लोग नजर आएंगे। जलसा कैसा होगा? देखें जलसा जो है आप देख रहे हैं कि जलसे से पहले, हालांकि हमें सबको पता है कि छापे भी हैं, गिरफ्तारियां भी हैं, सारा कुछ हो रहा है। पंजोता साहब अभी हम आए हैं तो रस्ते बंद किए जा रहे हैं, अभी कंटेनर लगाना शुरू कर दिए सड़कों पे, तो क्या कहना चाहेंगे अगर रुकावटें रस्तों में डाल दी जाएं, जलसे में रुकावट ना डाली गई तो फिर? देखें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कंटेनर कोई रखते भी हैं दावी मन दा ते जब बंदे लखन की तादाद चाहते ने ते कंटेनर बिल्कुल फुला फिर साइड से हो जाते हैं
ते आवाम आएगी कंटेनर नूं हटा के आएगी और जलसा गाद विच पहुंचेगी क्योंकि उन्होंने लीडर की कॉल है। तुसी वेखोगे कि कल इंशाल्लाह ताला हर तरफ आवाम ही आवाम होगी। सरगोधे दे शहीन भी आ रहे हैं, सरगोधे दे शहीन भी आ रहे हैं, गुजरात तो भी आ रहे हैं, गुजराला तो भी आ रहे हैं, मंडी बावलदीन तो भी आ रहे हैं, जंग तो भी आ रहे हैं, बावलपुर तो आ रहे हैं, सबाबुल तो आ रहे हैं, चनियोट तो आ रहे हैं, बावल नगर तो आ रहे हैं, मुल्तान तो आ रहे हैं, लाहौर तो आ रहे हैं, एजके पत्तुकी तो आ रहे हैं, नौशहरा तो आ रहे हैं, ओकाड़ा से आ रहे हैं, पाकिस्तान के हर शहर से, पिशावर से आ रहे हैं और कराची से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, और जो शहरों में ना आ रहे हैं। देखे जी ये मंजर है जी, पाकिस्तान के हर शहर से लोग पहुंचे हैं, पाकिस्तान के हर शहर से लोग आए हैं। नई मैदर पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये जुनून है इस टाइम जलसा गाह में, आप ये देख सकते हैं कसीर तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच चुके हैं, तैयारियां जारी हैं, बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।